गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। टुडे इज 23rd, 24th के लिए हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं, बट 22nd यस्टरडे नाइट मैंने कौन से स्टॉक्स बोले थे, उसमें से दो तीन स्टॉक ने तो बम्पर प्रॉफिट दिया। उसमें से वन ऑफ द स्टॉक्स है बजाज फाइनेंस, जो हम लोग ने 16th या 17th को रेकमेंड किया था 2545 से, और उसका मैंने फर्स्ट टारगेट बोला था 3100 एक टारगेट होगा अपना, जो मैंने बोला था 3000 विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड 3300 विल बी द माय सेकंड टारगेट, और आज वो टारगेट अचीव हो गया, उससे आगे भी गया वो विद इन 3 to 4 days, ऑलमोस्ट एक 400-500 पॉइंट्स का रैली दिया इसने। अगर आपने होल्डिंग रखा होता तो काफी बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाता। इसका अभी भी एक फाइनल टारगेट 3300 पेंडिंग है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 3500 अगर यही रैली कंटिन्यू रही तो। और एक स्टॉक हम लोगों ने रेकमेंड किया था, दैट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को ने भी काफी अच्छा मोमेंटम दिया आज। देखो दोस्त फ्रेंड्स, ये ऐसे कुछ तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके ट्रायंगल पैटर्न बोला था, और मैंने बोला था कि कहीं कोई एक साइड में ये ब्रेकआउट होगा, तो आज इसने ये ब्रेकआउट दिया। फ्रेंड्स सोचो कि इतने स्टॉक लिस्ट में से फाइंड आउट करना कि किसमें ब्रेकआउट होगा, वो भी एक स्किल होता है, ठीक है। तो आपको ऑल 150 स्टॉक्स 200 स्टॉक्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, 500 में से मैंने 3 to 4 स्टॉक्स ही आपको दिए निकाल के, आपको उसमें ही ट्रेड करना है। कितना सिंपल है ट्रेडिंग, तो भी लोग स्टॉप लॉस लेते हैं। आज भी मुझे 8 to 10 जन का मैसेज है कि सर हमने प्रॉफिट बुक किया 4 to 6 thousand, बट ऐसे भी 5 to 6 थे कि जिन्होंने बोला कि सर हमने स्टॉप लॉस लिया, तो उनके लिए ये स्पेशली मैं बताता हूँ कि कैसे करना। ये मैंने बोला कि ब्रेकआउट है, तो मैंने क्या बोला कि पहले 5 मिनट का कैंडल या पहले 15 मिनट के कैंडल्स के लिए आपको वेट करना है, फर्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट। अगर आप सेफ कैंडिडेट हो तो आपको 15 मिनट के लिए वेट करना है, आप थोड़े एग्रेसिव हो तो 5 मिनट भी चल जाएगा। देख तभी यही ट्रायंगल को मैं 5 मिनट में लेके जाता हूँ और आज का ट्रेड बताता हूँ। देखो ये 5 मिनट का कैंडल है, उसका हाई अगर मैंने मार्क किया पहले 5 मिनट का कैंडल, तो भी लेके नहीं गया हाई। कई लोगों ने क्या किया, जिनका स्टॉप लॉस हिट हो, उन्होंने पहले मिनट में ही एंट्री ले लिया, फिर वो जैसे नीचे आ गया स्टॉप लॉस लेके निकल गया, क्योंकि स्टॉक का लॉट साइज बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, वेट करना है पहले 5 मिनट्स, इसका हाई ब्रेकआउट होने के बाद आपको एंट्री लेनी है, और उसका लो मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट मतलब आफ्टर 5 मिनट्स। कई कई लोग बोलते सर वो निकल जाएगा, अरे गया तो भी चलेगा, स्टॉक किधर भागा जा रहा है, वो रिट्रेस तो करेगा ना, फिर आपको प्रॉपर फिर से लेवल मिला तो आप ले सकते हो। सेम टोरेंट फार्मा में हुआ, एक कोई तो है मेरा क्लाइंट जिसने 2600 पे एंट्री लिया, बट वो 5 मिनट का सिर्फ जस्ट टच करके नीचे आया था, और फिर उसने 15,000 का लॉस बुक किया। ऐसे नहीं होता ट्रेडिंग, आपको वेट और सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ड्यूरिंग ट्रेडिंग। पहले 5 मिनट कुछ नहीं करना है, क्योंकि भूचाल आता है पहले 5 मिनट में। बीटीएसटी वाले रहते हैं जो मॉर्निंग में ट्रेड करने वाले रहते हैं, ऑर्डर डालने वाले रहते हैं, तो ऐसे लोग तो 5 मिनट वेट करो या 15 मिनट वेट करो। अगर यही स्टॉक अगर मैं 15 मिनट में देखता तो भी आपको लेवल मिल जाता था इजीली। तो ऐसे कुछ नहीं है कि 15 में से 5 में से एक स्टॉक में तो आपको लेवल, देखो ये लेवल है वो, पहले 15 मिनट का अगर मैंने हाई देखा तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो आपको लेवल मिल गया था, और मेरा लेवल भी यही था 153 राउंड अबाउट। फिर 1:1 ये 153 और ये स्टॉप लॉस है 150, 3 पॉइंट्स का, तो 3 पॉइंट्स उससे ज्यादा ही उसने टारगेट दिए, क्योंकि ट्रायंगल जब ये ब्रेकआउट होते हैं ना बहुत रैंडमली आपको एक्शन मिलता है, और आपने देखा रहता मेजोरिटी में ट्रायंगल पैटर्न ही देता हूँ, क्योंकि वो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, सिंस आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर। और इसके साथ फिर आप सॉफ्टवेयर भी यूज करो, तो सॉफ्टवेयर के सिग्नल 3 सॉफ्टवेयर के टूल्स आपके पास है, तो हर एक का कंफर्मेशन लो। मैंने ट्रायंगल प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लिया, प्राइस पैटर्न का 2 डेज का कंफर्मेशन लिया, फिर 3 सॉफ्टवेयर का, इतना सब कंफर्मेशन के बाद स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज आते हम लोग कल के स्टॉक्स के लिए आते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये एक स्टॉक है, ये अभी हम लोग 24 के लिए देख रहे हैं। देखो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ, क्लियरली ट्रायंगल पैटर्न, और एक कल ब्रेकआउट होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, कोई भी एक साइड ब्रेकआउट होगा। आई रियली डोंट नो कि कौन से साइड ब्रेकआउट होगा, बिकॉज कोई ये इनसाइडर न्यूज और कोई प्रमोटर के स्टॉक्स लेके मैं नहीं बैठा हूँ, मैं जस्ट नॉलेज पर्पज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ट मुझे बोलते हैं कि ये ब्रेकआउट देगा 1 से 2 दिन में, क्योंकि स्मॉल डोजेस बन रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है डोजेस रजिस्टर। अगर इसको मैं आवरली में कन्वर्ट करूँ आवरली चार्ट में, तो आपको क्लियरली दिखेगा आवरली, या 15 मिनट्स में अगर मैं करूं 30 मिनट्स में, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एक पैटर्न बन रहा है और एक रेजिस्टेंस के यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे एक पैटर्न ऐसे कुछ तो हो रहा है, तो आइदर ये अपसाइड ब्रेक होगा या डाउनसाइड ब्रेक होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसके मैं लेवल्स बता दूं आपको,
एक कौन से लेवल पे मुझे करना है, डेली के जो लेवल्स होंगे, जो प्रीवियस डे का कैंडल होगा उसके हिसाब से मुझे लेवल्स मार्क करने हैं। तो वो लेवल्स क्या होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे करना है, ये प्रीवियस डे आज का कैंडल, आज का कैंडल देखो क्या किया उसने, एक डोजी बनाए। ये कैंडल के अगर मैंने यहाँ पे रखा तो मुझे हाई एंड लो मार्क दिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है। तो बट मैं सेफर साइड क्या करता हूँ, ये कैंडल का हाई ले लेता हूँ बराबर है, और यही कैंडल का लो ले लेता हूँ। तो मेरे ये लेवल हो गया। अगर आपको बाय करना है तो 693 के ऊपर आप इसको बाय करो बराबर है, और आपको अगर शॉर्ट करना है तो 665 भी लेट हो जाएगा थोड़ा, ये इधर भी चल जाएगा। 670 परफेक्ट लेवल है, 670 मेरा गैन नंबर भी है। तो मुझे बाय करना है तो इसके ऊपर ये कैंडल जो दिख रहा है इसके ऊपर मैं बाय करूंगा और इसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा बराबर है। स्टॉप लॉस आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो, उस दिन का जो लो है या स्विंग लो 15 मिनट्स और 5 मिनट्स उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। अभी कल एंट्री कैसे लोगे, लेटेस्ट से कल इसने इधर ब्रेकआउट कर लिया पहले 5 मिनट के कैंडल ने, तो आप क्या करोगे, वेट करोगे 5 मिनट के कैंडल का हाई जाने के बाद आप लोगे। फिर ये नहीं देखोगे कि 693 नहीं मिल रहा है सर मुझे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको 695 मिलेगा, बट आपको एक सेफर ट्रेड मिलेगा क्योंकि वो कैंडल का भी ब्रेकआउट का आप वेट करो। आपने ट्राइंगल के वेट किया, फिर वो जो मेरा एनालिसिस था वो रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हो रहा उसके ब्रेकआउट पे, मतलब डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगा। जिनके पास सॉफ्टवेयर हो लोग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। जैसे मेरा 5 मिनट का कैंडल सपोज यहाँ पे कल हुआ 668 पे हुआ, तो उसका लो जाने के बाद आप शॉर्ट करो तो आपको बहुत अच्छा रैली मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये ऐसे ट्रेडिंग करना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 5 मिनट, अगर आपको सेफर ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट ही वेट करो, कुछ प्रॉब्लम, मार्केट सेटल होने के बाद भी आप ले सकते हो ट्रेड, इन बिटवीन ही लेना है, ऐसे कुछ नहीं। तो ये मेरे लेवल्स थे श्रीराम ट्रंस, और ये भी बहुत वोलाटाइल स्टॉक्स है, यू कैन। और बहुत जन का कैपेसिटी नहीं है, मुझे आज देखा बहुत जन का मार्जिन है 50,000 और वो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं 10,000 15,000। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते यार ट्रेड, मतलब रिस्क और मनी मैनेजमेंट इज अ गेम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 70-30 होता है, 30% इज अ सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, और 70% जो है वो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट, ये तीन स्किल अगर जिसको आया ना तो वो स्टॉक मार्केट का शहंशाह, तो नॉलेज कम हुआ तो भी चलेगा, तो यूट्यूब के वीडियो देख के भी कई जन कर लेते हैं। तो ये आना चाहिए। अगर आपके पास 50,000 है तो आप कैश में करो, 100 शेयर्स लो इसके, फिर आपका स्टॉप लॉस मैनेज होना बहुत जरूरी है ना। इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस मस्ट बी 2% मैक्सिमम, मैंने बोला ऑफ योर कैपिटल, मतलब अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो उसका 2% कितना हुआ 1,000, तो आपका मैक्सिमम रिस्क कितना होगा 1,000 आप लेके चलोगे तो, मतलब 1:1 लेके चलोगे तो भी चलेगा, बट रिस्क ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग 10,000-15,000 का रिस्क देते 50,000 के, कई के लोग मेरे पास रति मारते भी है 20,000 कैपिटल और 10,000 का स्टॉप लॉस लगा के चलते, नहीं चलेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस मेरे मनी मैनेजमेंट में नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे आप उनके ट्रेड। इज दैट क्लियर? तो ये श्रीराम ट्रांसफर फाइनेंस था। सेकंड देखते हैं हम लोग, आज मैंने डिसाइड किया कि कम स्टॉक दूंगा, कई लोगों को 5 स्टॉक भी ये ट्रैक करने होता नहीं है, तो 3 स्टॉक से हम लोग देखेंगे। देखो बालकृष्ण इंडस्ट्री भी कल की निफ्टी के जैसा ये ट्रेड है, काफी मतलब अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। ये रेजिस्टेंस जोन है बालकृष्ण इंडस्ट्री का, दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर भी उसने एक बार पहले इन्वर्टेड हैमर टाइप स्मॉल डोजी बनाया था, देखो डोजी टाइप ही कैंडल है ये देखो, और उसके बाद स्टॉक्स बहुत नीचे आ गया। सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, देखो सेकंड टाइम ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने गया बट नहीं हो रहा है, तो कल इसमें बड़े रैली आने के चांसेस है। तो ये रैली हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल का रैली है तो ये रैली कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मेरा लेवल्स कैसे रहेगा अभी इसमें, ये लेवल्स मतलब इसका, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई और लो मार्क करके देख लो, ये कैंडल का हाई कितना है 1261 और लो कितना है 1232, तो आप इसको शॉर्ट करोगे 1230 के नीचे, मतलब ये लेवल अगर जा रहा है 1230 के नीचे आप इसको शॉर्ट करोगे, इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। आप लॉन्ग कभी करोगे, ये 1261.60 है, मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करो, लॉन्ग करने का सवाल चांसेस थोड़ी कम है, बट ठीक है आप इसको 1265 भी कंसिडर कर सकते हो। ये जो है 1265, ये 1265 के ऊपर अगर जाएगा तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। टारगेट आप ये रेजिस्टेंस जोन तक देख सकते हो, बट मेरे ख्याल से 90% ये डाउनसाइड ब्रेक करना चाहिए, ठीक है।
तो ये मैंने लेवल्स बता दिए आपको दोनों की तरफ। कई के जो बोलते सर आप लेवल लाइव मार्केट में दीजिए, मेरे क्लाइंट्स बहुत बोलते हैं अरे आपको पहले दिन दे रहा हूँ तो आप क्या करोगे, आपको सब इतना स्पून फीडिंग नहीं मिलेगा, मतलब इंट्राडे में तो मैं आपको दे ही रहा हूँ लाइव कॉल्स और सब, ये सब एजुकेशनल पर्पज है। तो आप क्या करोगे, आप खुद जाके ये वीडियो देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन मार्क करो, एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक में लिख के रखो हाँ ये लेवल्स है, कल सुबह लाइव मार्केट में जाके ये लेवल्स मार्क करके रखो, या आप ऑफिस में तो लेवल मार्क करके रखो, फिर आपको मोबाइल पे भी वो लेवल दिखेंगे ना। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, आपका जीरो दा अपस्टॉक जीरो कोई भी है, उसमें कोई भी आप इसमें मार्क करके रखो, ट्रेडिंग व्यू भी के भी कर सकते हो, तो वो आपके मोबाइल पे भी दिखो, तो वो लेवल आने के बाद ही आपको शॉर्ट या बाय करना है। लोगों को बहुत रेडीमेड मुझे मैसेज आते हैं मेरे क्लाइंट सॉफ्टवेयर ट्रेड मेंबरशिप के, सर आप मुझे ये लेवल लिख के माफ करके दो। भाई आप इतने लैंडलॉर्ड भी नहीं हो ना, मैं अभी इतना मेहनत करके 2 घंटा एनालिसिस करके 150 में से 3-4 स्टॉक्स आपको लेके आता हूँ, उसमें भी आपको सेपरेटली लिख के वगैरह चाहिए, ऐसे नहीं होगा, उतना स्पून फीडिंग नहीं कर सकता मैं, ठीक है, थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आपको तो नोटबुक लेके बैठ के लिखना है, आपके चार्ट में जाके नोट डाउन करोगे, ठीक है। थर्ड स्टॉक है भारतीय एयरटेल, ये बहुत दिनों से मेरे रडार पे है और अभी भी रडार में ही है, मुझे लगता है ये स्टॉक भागने वाला है ऊपर की तरफ या कल नीचे की तरफ, दोनों में से कोई भी है, क्योंकि 580 इसका एक मेजर हर्डल है। मैंने उस दिन भी 580 पे बाय बोला था, 585 गया, आज भी उसने 580 से 585 5 पॉइंट का रैली दिया, इज दैट क्लियर, ये देखो ये आज भी उसने रैली दिया, आज इसका हाई देखोगे 584.60 कल भी, और लो इसका कितना है देखो, लो है 574, ठीक है। तो इसके भी लेवल्स बनते हैं, इसके लेवल्स क्या है मैं बता दूं, देखो ये फ्लैग एंड पैटर्न है, मतलब ये यहाँ पे जाके ऑलवेज एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, देखो मतलब यहाँ पे कितनी बार लिया उसने रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बार लिया, यहाँ पे सेकेंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम लिया, तो चांसेस है कि कल ब्रेकआउट ऊपर के बाजू करेगा या फिर से रिटेस्ट करके नीचे के बाजू आएगा, दोनों में से कोई भी एक चांस है, फिर ऊपर के बाजू में जाके फिर ब्रेकआउट कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, डोंट नो। तो मेरा लेवल क्या, अबव बाय करना है तो 585 के ऊपर आप बाय करो, इसको बाय करना है तो, और 570 के नीचे शॉर्ट करो अगर आपको शॉर्ट करना है तो। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, जो पहले 5 या 15 मिनट का हाई और लो रहता है वो आपका स्टॉप लॉस रख लो, या आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रख लो, आपका मनी मैनेजमेंट रूल क्या बोलता है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, बट जनरली मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट या 15 मिनट जो कैंडल पे आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट के लिए आप रुकोगे ना तो उसका जो लो रहेगा वो मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लाइक दैट वे में आप काम कर सकते हो। तो कल यहाँ पे लेटेस्ट से कल एक कैंडल अगर यहाँ पे बनी, कल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ पे बनेगी मुझे नहीं पता, लेटेस्ट से यहाँ पे कल कैंडल बनी जिसका हाई था 586 था लेटेस्ट से 5 मिनट के कैंडल, सर आपने तो 585 लो, तो आप 585 नहीं लोगे, 586 का हाई जाने के बाद एंट्री लो, और फिर ये जो कैंडल रहेगा ना ये आप मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा पहले 5 मिनट का, जो सेफर है वो लोग 15 मिनट के लिए वेट करो, 15 मिनट्स का जो कैंडल रहेगा उसका हाई जाने का ब्रेक करो, और उसका जो 15 मिनट का लो रहेगा वो मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेडिंग इतना सिंपल है दोस्तों, बट बहुत जन ना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपने माइंड लेवल से, एन नंबर ऑफ कचरा इंडिकेटर लगा के रखते हैं जिसका कुछ मूविंग एवरेज का कुछ यूज नहीं होता है। फर्स्ट इज अ प्राइस एक्शन, तो मैंने आपको कितना सिंपल करके दिया, प्राइस एक्शन से आपके सामने 3 स्टॉक लाके रख दी, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस लिया है, बालकृष्ण इंडस्ट्री है, भारतीय एयरटेल लिया, 3 स्टॉक्स कल के लिए आपके पास है, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस दिया, 5 स्टॉक ऑलरेडी आपके पास हो गए लेवल वाइज। आप क्या करोगे, जो सॉफ्टवेयर मेंबर है वो इसके बाद और स्किल भी बताया कि 5 मिनट और 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर 1, 2, 3 क्या बोल रहे हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाएगा फिर आपका, और सबसे एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा, बट उसके लिए आप स्पीड अप होने चाहिए ना, उतना स्पीड होना चाहिए, और मॉर्निंग में आपको 15-20 मिनट का ही काम है, एक बार आपने एंट्री डाल के छोड़ दिया तो फिर खत्म टारगेट और स्टॉप, फिर बार बार उसको देखते ना अरे क्या चल रहा है क्या चल रहा है, लाइक दैट वे। तो दोस्तों ये अगर ऐसा आपको सब एनालिसिस और इसमें भी फिर मैं सेटअप देता हूँ कि ये कैसे हम लोग सेटअप वाइज इसको वर्क कर सकते हैं, विवैप के सेटअप्स है, बाद में मूविंग एवरेज के सेटअप है, RSI के, बॉलिंजर बैंड के मेरे अलग अलग सेटअप है, ये संडे से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होने वाला है, आपको जानना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, लास्ट बैच मेरा लास्ट संडे को ही खत्म हुआ, उनके ट्रेनिंग फीडबैक्स बैच खत्म होने के फीडबैक आप जान लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, और ये मेरा वीडियो
मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स के पास फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू।